और सबसे ज्यादा खासियत सामने गंगा जी का व्यू। बाप रे। काफी लोग पूछ रहे थे कि आपकी डाइट क्या है, तो सुबह का ये काढ़ा जाएगा जिसमें पुदीना है। पुदीना मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पर फिर भी कई लोग मिस कर देते हैं, फिर बाद में कमेंट करते हैं। ये है जीरा, थोड़ा सा, दो कप पानी को आधा करना है। और ये है गुड़, गुड़ अपने स्वाद अनुसार ज़्यादा या कम, इसको उबालना है जब तक ये आधा ना हो। ये तैयार हो गया काढ़ा। मैं दिया का पास्ता बना रही हूँ, थोड़ा सा पास्ता बचा हुआ था स्कूल के लिए। वैसे ना बच्चे मना करते हैं कि स्कूल में ना पास्ता वास्ता मत दिया करो, फ्रेंड्स छोड़ते नहीं है। दिया यही बोलती है कि फ्रेंड ना छोड़ती नहीं है, खा जाती है। तो इसी के साथ राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ बढ़िया बढ़िया ड्रिंक, मतलब ड्रिंक में मतलब काढ़ा पी रहे होंगे। इसमें मिंट, जीरा और गुड़, ये तीन चीज़ मिली है। दो कप को एक कप किया है, उसके बाद बना है ये काढ़ा। काढ़ा पीने के बाद आपको वॉक करने जाना है या एक घंटे के लिए, या फिर घर में प्राणायाम या एक्सरसाइज करनी है। तो आज मैं प्राणायाम एक्सरसाइज करूँगी, कल सुबह भी वॉक हुई, शाम को भी वॉक हुई, जन्माष्टमी आ रही है उसकी शॉपिंग भी करनी है। आज थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी जैसे सर्दियों जैसी ठंडी हवा ना, हल्की हल्की वैसी लगनी शुरू हुई है। ये बादल देखते कैसे अच्छा लग रहा है पूरा ना, एकदम आसमान तो नीला है, नज़र आ गया कि बारिश इस बार बस कम ही हुई है, क्योंकि ऐसा आसमान नज़र नहीं आता इतना। और हमारे यहाँ के टेम्परेचर में गंगा स्थल के इस एरिया के, गंगा जी के पास है, और जो ऋषिकेश शहर है जहाँ पे मतलब शहर है, बहुत अंतर है। वहाँ पे बारिश नहीं होती है कई बार, यहाँ बारिश हो जाती है। यहाँ इतना ठंडा ठंडा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हमारे एक भैया हैं जो वॉक करते हैं हमारे साथ, वो पहले यहाँ एक फ्लोर और दो पे रहते थे जब तक उनका घर बन रहा था। अब वो वहाँ गए हैं ना, तो वो कहते जो फ्रेशनेस इधर की साइड फील होती थी ना, वो उधर नहीं होती। भैया कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ डाइट से ही पतला हो जाता है, लेकिन ये जो डॉक्टर हैं, जो मतलब जिनसे मैंने डाइट ली है ना, क्योंकि ये नेचुरोपैथी के हैं, डाइट से ठीक करते हैं, तो ये एक्सरसाइज जरूर बताते हैं कि डाइट काढ़ा पीने के बाद आधा घंटा एक्सरसाइज या एक घंटा। आपको ये वाली टी शर्ट भी पतली लगने लगी है, आज काफ़ी लेडीज़ ने बोला था इसलिए मैं दिखा रही हूँ। दिया के जाने के बाद शुरू करती हूँ एक्सरसाइज, डाइट प्लान दिखा रही हूँ मतलब अपना। एक चीज़ की खुशी हो रही है, घुटना, ये सर जो है काफ़ी कुछ लगना शुरू हो गया, बस ये पेट क्या है, स्टमक आगे आ गया, अभी टायर थे कम हो गए हैं तो पेट आगे आ रहा है, तो ये जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा। और ना पहले बहुत सारे स्टेप कर चुकी हूँ, उसके बाद अब खोला है, पर अब खोल लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि पसीना पसीना बाहर है पसीना। ये होगा सुबह का ब्रेकफास्ट, जैसे आज बता रखे हैं क्या कहते हैं इसको, अखरोट और खजूर और दो एप्पल लेती हूँ, एप्पल डेली। एक बजे लंच करना होता है, उसके बाद सीधा एक बजे, बीच में कुछ नहीं खाना, बस एक बार 11 बजे के करीब मोरिंगा पाउडर लेना है। 10:30 बजे हैं, दिया की साइकिल मुझे आज ठीक करवानी है, उसको ना खांसी जुकाम ये सब रहने लगा है, मतलब जुकाम ज़्यादा रहने लगा है। जब भी वो प्रैक्टिस करनी बंद कर देती है ना, जैसे वॉक करना, घूमना, रनिंग करना, और अभी बीच में साइकिल ख़राब हो गई, वो साइकिल तो शर्मा जी के टाइम से ख़राब थी, उन्होंने बोला था कि जाके इसको ले जाओ ठीक करवा के ला, जब सिर्फ पंचर हुआ था। तो मैंने कहा आज उसकी साइकिल ठीक करनी देती हूँ, और नई साइकिल लेनी बेकार है, मैं बिना बात की वेस्टेज नहीं करती हूँ। उसका 2 साल बाद पता नहीं है कि कहाँ जाएगी, कॉलेज में हम यहाँ रहेंगे या फिर आगे जाएंगे, तो 2 साल के लिए मैं मतलब इतनी वेस्टेज में, मैं और शर्मा जी हम दोनों ही वेस्टेज में बहुत वो करते थे कि ज़्यादा वेस्टेज होनी नहीं चाहिए। साइकिल यहाँ खड़ी है, पहले गाड़ी में वो लगाती हूँ, फिर सेट करती हूँ, ये टॉवल लिया है ताकि स्क्रैच गाड़ी में भी ना आए, तो ये अच्छा है, यहीं से गाड़ी आराम से निकल जाएगी। मैंने इसको ना ऐसे नीचे
गिरा दिया। बाप रे, अबे इतनी तान जान तो है मेरे अंदर। साइकिल उठा लूं। खुल ही जाएगा, ये बंद नहीं होगा। का पहिया ना यहाँ आते ही मुड़ गया एकदम से, और ना उधर टच हुई ना इधर टच हुई है। बस ये ठीक ठाक पहुँच जाए, डिग्गी हिलेगी थोड़ी सी। ऐसे ही मैं और ये ना वो लेके आए थे, आपको याद होगा, गमला। बड़े आराम आराम से ले जानी पड़ रही है। वीकडेज में देख लो हाल, खाली पड़े हैं। इधर रश है ना, ये ऑटो वगैरह रहते हैं तो यहाँ रश मिलता है। ये वाली शॉप है, भाई साहब कह रहे हैं कोई मतलब ये ठीक हो जाएगी, रिपेयर बढ़िया हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या पार्ट्स ही तो खराब होते हैं। जो पार्ट्स इसके खराब होते हैं, हाँ, सब अवेलेबल है, सब है। और साइकिल भी अच्छी है कोई, वैसी बहुत बेस्ट क्वालिटी है ये। हाँ, वही टोटल फ्रेम अलॉय है ये। अच्छा, शर्मा जी ने ये शिवांगी को दिलवाई थी और शिवांगी इसको लेके साकेत से वहाँ गई थी, अरे कनॉट प्लेस ज्यादातर साइकिलिस्ट जाते हैं ना, तो वहाँ लेके गई थी। खूब चलाती थी, उसने चलाई है काफ़ी। दिया ने भी बहुत चलाई है ये, पर अभी भी पार्ट्स चेंज हो जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है, एज इट इज़ नया हो जाती है। हमने बादल देखे, और इसमें ना इस वाले कट पे बहुत रश रहता है। ये राजस्थान जो वाली है ना, तिलक रोड से रेलवे रोड के बीच में। ये काम मैंने एक साल से सोचा हुआ था, हाँ, और अब जाके हुआ है। देखो आज इसका टाइम आया है। आप इतने उससे मेरी डाइट पूछ रहे थे तो मैं बता देती हूँ। देखो ये सैलड, उसमें था कि 350 या 250 ग्राम सैलड खानी है पेट भर के, मतलब कम से कम 250 ग्राम, तो ये ज़्यादा ही होगी। मूली और गाजर तो मैं खा चुकी हूँ, अभी एक पीस बचा है बस। गाजर मैं घूमते घूमते सब्जी छोंकते छोंकते वो बीच में आके खा के चली गई थी, क्योंकि ये अब की बार येलो वैसे सीज़न नहीं है ना। गाजर बता रखी है, पालक बता रखा है, पालक अभी मिट्टी वाला बहुत आ रहा है तो मैं जानबूझ के नहीं ले रही। और उसके बाद ये कटोरा भर के दाल है, आज मैंने एक ही बनाई है तो मैं थोड़ी मतलब ज़्यादा ले ली, नहीं तो एक सूखी सब्जी होती है और एक दाल होती है कोई सी भी हो। आज घी या चने की दाल बनाई हुई और ये दो रोटी। मेरा वेट अगर मैं घी बंद कर देती ना पूरी तरह से, जैसे मैं देसी घी में छोंक रही हूँ और इसमें भी हल्का फुल्का लगा रखा है, तो और जल्दी कम होता। पर पिछली बार मैंने नोटिस किया था कि मेरे को नी की प्रॉब्लम, नी में पेन होने लगा था, पैरों में दर्द रहने लगा था, तो इसीलिए मैंने अब की बार हल्का फुल्का घी अपना ही एक्सपेरिमेंट किया। सुबह फ्रूट्स खाए थे, फिर मोरिंगा पाउडर दिखाना भूल गई, मोरिंगा पाउडर लिया और फिर उसके बाद ये खाना खाया 1 बजे। अब 4-5 बजे चाय पीनी है, ग्रीन टी, और उसके बाद फिर रात को खाना खाना है। अगर भूख लगी बीच में, जैसे मेरे को लगती नहीं है, 4-5 बजे के बीच में भूख लगी तो एक जैसे कोई भी मीठा फल, मीठा बस गुड़ का और फ्रूट्स का और इनका जाएगा, और कोई मीठा नहीं जाएगा, तो अपने आप वेट लॉस होगा। और चावल भी खाओ, सब्जी भी खाओ, रोटी कितनी खाओ, कहते हैं ना चावल से वेट बढ़ता है, कितना खाओ, ये खाने के बाद वेट घटेगा घटेगा, और डेयरी प्रोडक्ट तो बंद है ही। वीडियो अपलोड पे लगा दी है, और जैसा डाइट प्लान हमारा आज का होगा मैं बताने लगी थी, वैसा कभी कभी हो जाता है। बढ़िया डाइट प्लान चल रहा है। हमारे भाई साहब का बर्थडे आज एक चैनल से ही है, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा खुश रहें, और ऐसे ही पार्टियां देते रहे जैसे आज हमें देंगे डाइट प्लान के बीच में। तो ऐसे डाइट प्लान होते हैं, देखो हमारे दिन भर बढ़िया डाइट खाएंगे बिना किसी उसके, और शाम को जाके बढ़िया 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 मस्त भोजन है दिया। ये है शाम की ग्रीन टी। सुबह डाइट प्लान दिखाया आपको, और अब हम हो गए हैं तैयार डिनर के लिए। आज हमारे भैया का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भैया। और मैंने तो उनसे वो बोल रहे थे कि आशीर्वाद, ऐसे हंस रहे थे, वो दे दो। मैंने कहा क्या, किस बात के लिए, तो बोले पार्टी, वो क्या कहते हैं, बर्थडे है मेरा, तो मैंने कहा फिर तो पार्टी देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे नाम की पार्टी कराओ। तो ऐसे हमारा डाइट प्लान हमारे ही कारण हो जाता है, ऐसे ही हम पतले हो रहे हैं। सुबह डाइटिंग करते हैं, शाम को खा लेते हैं। आज इसको मुझसे जलन हो रही है। मुझे क्या पता, मैं तो ये मेरा नॉर्मल सूट है, ये मैंने वो पहना है, आज मैंने बाल खोल लिए ना इसलिए। आज हमारे भाई भैया का बर्थडे है। अच्छा? हाँ, दे पार्टी ले रही है और पता नहीं है उसी को पार्टी ले जा रहा है। हाँ, बर्थडे टू यू भैया।
ऐसे ऐसे बर्थडे आते रहे और हम बनाते रहे और हम पार्टी खाते रहे सबकी, है ना। हाँ, इतने भी भाइयों के बर्थडे हैं, फिर से हमें खिलाए। पता है रेनू, मैं सुबह से डाइटिंग बता रही थी, मेरा डाइट प्लान ऐसे कर खा होके पतले हो रहे हम। अच्छा। सुबह डाइटिंग करते हैं रात को। हम तो खा के पतले होएंगे क्या भैया? 50-60% एकदम रॉ फूड पे आ जाओ। हाँ, डाइट अपने आप। एक एक इसके पास आ रहे थे, एक आ रहे थे ना फिर तुम्हारे पास कोई मेडिटेशन क्लास लेने के लिए। हाँ। वो कह रहे पहले मैं देखना चाहता हूँ। मैंने कहा पहले देखो फिर विश्वास करो। डाइट के लिए आ रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला कि पहले मैं आपको आके देखूं तो मुझे क्या देखोगे कि तुम कितनी पतली हो मोटी हो। वो इनकी तरह शायद वो ये देखना चाहते हैं। तो हाँ। फिर उनके विश्वास को बहुत जोर से कुठारा घात होने वाला है। यहाँ तो भगवान जी का एसी ना चलता रहता है सच में। उन्होंने प्रीति की बोली थी, प्रीति पार्टी में। अब हम क्या, प्रीति वैसे भी बिजी है, दिसंबर तक कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। दीदी मेरे को इतना बोलती हैं, आज मेरे को यही मिल गई हैं। मैं आज रात को भी याद कर रही और भाई साहब भी मिल गए, पूरे रास्ते याद कर रही थी। मैंने कहा हो सकता है मिल जाए। हमारे ग्रुप में जो भाई साहब हैं वो सब कजन हैं तो इसीलिए जानते हैं। और दीदी तो मेरे को बात कहती है कि तुम कहीं भी चलो मेरे को जरूर लेके चलना। एडवेंचर बहुत शौक है मैंने जो पुख्याल जी है। हाँ जी, यहाँ वाली दुकान है, वही सारा उनका बचपन बीता है। एक कमरे में 5 बच्चे। अच्छा जी, तो हम 65-68 से क्या होता है गुल्ली डंडा कंचे। गुल्ली डंडा कंचे वो पुराने दिन बहुत अच्छे होते थे। ये इनकी बेटी है, इनकी बेटी है मैया की। जय। हम आज ओमकार डंडा में कौन सा वो है? वो नीरज रेस्टोरेंट। नीरज रेस्टोरेंट है ये, पहले खा के आ चुकी है, इसने ही बताया था कि बहुत बढ़िया खाना है यहाँ पे। कई बार जिम के आ चुकी है ये, और वो है भी यहीं पे ही, और घूम भी लेंगे फिर वो हजम भी कर लेंगे। ये वाला है। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, ये है अयोध्या आस्था पथ, जहाँ पे मैं आके ज़्यादातर वीडियो का एंड करती हूँ। बेटा इधर से प्रवेश करें, आइए मैडम पधारिए। इस वाले रेस्टोरेंट में हम देखते थे वहाँ से, दिया ने भी एक बार देखा था कि मम्मी चलो मुझे लेके। आज फाइनली हम यहाँ पे आ ही गए। लक्ष्मण झूले की तरफ जाएंगे, हमारा गंगा स्थल से आगे आते हो ना ऋषि के, तो उसमें ये रास्ते में नीरज लग्जरी होटल पड़ेगा इसके नाम से। उसका रेस्टोरेंट खाना अच्छा है और लग्जरी तो लग ही रहा है पूरा, द नीरज गंगा हेरिटेज प्लेस। ये उधर से बहुत अच्छा लगता है, इसका गंगा जी का व्यू आता है ना। और सबसे ज़्यादा खासियत सामने गंगा जी का व्यू, जहाँ पे हम बैठे रहते हैं। क्या ड्रामे कर रहे हमारे बच्चे शरीफ, छोटी बच्ची हमारे बच्चे शरीफ है, मम्मी बिगड़ी हुई है। मैंने बोला ना कि मैं जाऊंगी तुम चलोगे, साक्षी आंटी चली, तब तक इसका चेहरा ऐसे था मुस्कुराता हुआ। मैंने बोला कि और दिया देख, दिया ये देख, दिया कूटने में लग जाती है। ये आ गया है पनीर टिक्का, ये खेल कर रहा है, ये है ना। दिया को निकाल के दे रहा है ऐसे ऐसे झाड़ झाड़ के। आज भैया की बर्थडे की खुशी में सारी डाइटिंग साइड में, भैया ऐसी पार्टी देते रहिए हर बार। मुझे इस रेस्टोरेंट का पता नहीं है खाना कैसा, सारा क्रेडिट इसको जाएगा, इसने इसको बहुत अच्छा लगा था। अलग है, डिफरेंट है, जैसे हम वो सब खा के वो हो गए ना एक सा खाना, ये अलग है, टेस्ट अच्छा है। हाँ, इसने लिया लेमन कोरिएंडर और मैंने और दिया ने कॉर्न, स्वीट कॉर्न, और इसका आया ही नहीं है इसने। हमने सोचा ये उतना ही आएगा बस, और ये क्या आया है, ये कॉर्न क्रिस्पी कॉर्न। आज हम अपना स्टार्टर में पेट भर लेंगे। ये सब क्रिस्पी कॉर्न जो मंगाए हैं बड़ा टेस्टी बता रहे हैं। ये चिली पटाटो जो उसमें डलता है वो ये। ये आ गई दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला और मिक्स वेज। और ये बच्चों ने मंगवाए हैं गार्लिक नान, और हमने मंगवाए हैं अपने लिए मिस्सी रोटी, अगर मिल जाएगी तो। रेनू पूरा कोच कोच के खा रही है, देखो पैसे बैठ गए। दबा दबा के लेयर लेयर आ गया।
दिया कह रही है ये तो रुक ही नहीं रहे, एक साथ लेके आ रहे हैं फटाफट फटाफट। अभी हमारी रोटी नहीं आई है पर खाना अच्छा है, तो पनीर का भी ना स्मोकी फ्लेवर है इसके अंदर, है ना। और मिक्स वेज दिखने में मतलब हल्की सी लग रही थी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं है, अच्छा है खाना, डिफरेंट है। हमारा बिल आया है 3151 रुपये, GST देखो कितनी लगा दी, 2670 था। हे भगवान, खा भी नहीं सकते हम तो ढंग से, लूट रही है सरकार हमें। है तो बड़ा सुंदर, हम यहीं से निकल जाएंगे गंगा जी के लिए। सारी बात सही थी, GST बहुत लगा, GST दुख रही है, बहुत ज़्यादा लगा। ओहो, निकलते ही ऐसे लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए हो, हमें तो भाई यहीं अच्छी लगती है। बहुत लग, बहुत ज़्यादा महंगा है। सुबह डाइटिंग किया, इतना अच्छा अच्छा सब कुछ दिखाया, और रात में सब बढ़िया बढ़िया हो गया, बढ़िया बढ़िया हो गया, बढ़िया बढ़िया है ये भी। आज हम इधर आके बैठ गए शत्रुघ्न घाट के से आगे, अरे यहाँ पे इन्होंने स्विमिंग करके दिखाई थी। एक तो इसको खिलाया, ऊपर से गालियाँ दे रही है, हैं? इसने भैया का भी पेट बढ़ा दिया और इसने अपना भी बढ़ा रखा है। मैं दिन दूनी रातों के लिए मोटी हो रही हूँ, उसमें सबसे बड़ा दोष तुम्हारा। हाँ, जैसे दिया ने नहीं, मुझे हल्का फील हो रहा है, मुझे इतना हैवी नहीं लग रहा। अच्छा, यहाँ पे ना तंदूर की रोटी आटे वाली है, आटे की रोटी है, आटे की थी जो मैंने मंगाई ना, इसने मेरी देख रही थी, इसने कहा नहीं मैं नान खाऊंगी। अब नान तो मैदा है, वो पेट में जाते ही थोड़ी, अभी तो और फूलेगा, अभी और फूलेगा। तो भाई ऐसी हमारी सुबह से डाइटिंग चली थी, इतनी अच्छी डाइटिंग, इतनी अच्छी बढ़िया फ्रेश फ्रेश फीलिंग आ रही थी। कोई बात नहीं, भैया का जन्मदिन था, कभी कभी चल जाता है, ठीक है ना। कल भी कहीं जाना है, कल वो टिया का बर्थडे 19 का, तो वो उसको मन रहा है एक दिन पहले, एक दो दिन पहले, तो पता अगर भाई उन्होंने सेलिब्रेशन की, मतलब किया, वैसे तो जाते ही हैं जैसे बच्चे जाते हैं ना, कई बार बड़े बड़े कम जाते क्योंकि थोड़ा डाइट का सवाल आ जाता है, तो फिर कल भूखा रह जाएगा सुबह। तो यही है, खाना ठीक था, अभी इनका स्टाफ कम था, इन्होंने बताया खुद, ये जब खा के गई थी। हाँ, और दूसरी बात है, अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह पैसे कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, कुछ अंदर चेंजेस कर रहे हैं, लूट बहुत लिया पैसे। हाँ, का दुख है, बहुत, बहुत बेशक से भैया ने पार्टी दी हो लेकिन लूट लिया। हाँ, पैसा बहुत लगाया, 20% GST ज़्यादा लगा रखा था। हाँ भैया, ऐसे ना करो, थोड़ा बहुत गरीबों का ध्यान रखिए। हाँ, हम पैसे दे के खाते हैं, फ्री में नहीं खाते। माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे, भाई पेड़ जरूर लगाए, हर हर गंगे हर हर महादेव, और हमारी जैसी डाइटिंग करेंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, है ना, खाते पीते रहो, डाइटिंग में क्या रखा है। दुबले होते जाओ। हर हर गंगे हर हर महादेव।